नमस्कार दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे फैंटेसी टिप्स एंड बेस्ट ड्रीम इलेवन कॉम्बिनेशन फॉर आईएसएल गेम बिटवीन ओडिशा एफसी एंड मुंबई सिटी एफसी, जो दोस्तों आज शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा। दोस्तों लास्ट टाइम जब ये दोनों टीम्स मिली थी तब मुंबई सिटी ने काफी उमदा परफॉर्मेंस दिया था और गेम 2-0 से जीत लिया था, बट दोस्तों लास्ट 6-7 गेम से उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब हो गया, बहुत ज्यादा डाउनग्रेड हो गया उनका परफॉर्मेंस। तो दोस्तों देखते हैं उस बेसिस पे किस गेम की एक्सपेक्टेड 11 क्या होगी, की प्लेयर्स कौन से होंगे एंड सजेस्टेड ड्रीम 11 क्या होगी। और दोस्तों सजेस्टेड ड्रीम 11 के साथ हम आपको हमारे टॉप 5 कैप्टन चॉइस कैप्टनसी ऑप्शन भी बताएंगे, जो जब आप मल्टीपल टीम डालेंगे ग्रैंड लीग एंड स्मॉल लीग में तब आपको हेल्प हो जाएगी। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वो जरूर ज्वाइन कर देगा दोस्तों, क्योंकि जब लाइनअप आएगी तो आपको फाइनल टीम आप हमारी वहीं पे मिल जाएगी विद आवर एक्सपर्ट एनालिसिस। तो दोस्तों बढ़ते वीडियो में आगे, जैसा कि हम देख सकते हैं मुंबई सिटी सेकंड पोजीशन पे है, ओडिशा 11th पोजीशन पे, जहां पे दोस्तों दोनों ने 18 गेम्स खेली है। मुंबई ने दोस्तों 18 में से 10 गेम जीती है, 4 गेम ड्रॉ करी है, 4 गेम हारी है। ओडिशा ने दोस्तों 18 गेम में से सिर्फ एक ही गेम जीती है, 6 गेम ड्रॉ करी है एंड 11 गेम हारी है। दोस्तों मुंबई सिटी के लिए मस्ट विन गेम है, क्योंकि यदि ये गेम वो ड्रॉ भी कर लेते हार जाते तो टॉप ऑफ द टेबल पे आने के उनके चांसेस कम हो जाएंगे, और यदि वो टॉप ऑफ द टेबल पे नहीं आएंगे तो वो एफसी चैंपियनशिप के लिए डायरेक्टली क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों उनके लिए तो ये मस्ट विन गेम होने वाला है। ओडिशा के पास दोस्तों खेलने के लिए कुछ रहा नहीं है, वो प्लेऑफ से के कंफर्म बाहर है, तो दे विल ट्राई मल्टीपल थिंग्स कि वो थोड़ा सा तो पॉइंट्स ले सके एंड अपना सीजन एंड करे ऑन अ हाई नोट। रिसेंट 5 गेम्स की बात करें तो लास्ट 5 गेम में ओडिशा ने एक भी गेम नहीं जीती है, जहां पर उन्होंने 4 गेम हारी है एंड 1 गेम ड्रॉ करी है। दोस्तों उनका डिफेंस बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसके कारण उन्होंने लास्ट 5 गेम में 13 गोल कंसीड किए हैं, बट दोस्तों उनका अटैक थोड़ा बेटर है, उनके जो स्ट्राइकर है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, तो वहां पे उन्होंने लास्ट 5 गेम में 5 गोल स्कोर करे हैं। मुंबई सिटी की बात करें दोस्तों, दोनों ने लास्ट 5 गेम में 3 गेम हारी है, 1 गेम ड्रॉ करी है, 1 गेम जीती है। दोस्तों उनका परफॉर्मेंस ऑफ लेटली बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया है, जिसके कारण उन्होंने दोस्तों लास्ट 3 गेम में एक भी गेम नहीं जीती है और लास्ट 6 गेम में उन्होंने एक भी क्लीन शीट नहीं रखी है। दोस्तों उनका अटैक थोड़ा बेटर है, जहां पे उन्होंने लास्ट 5 गेम में 8 गोल स्कोर कर रहे हैं, बट उनका मेन कंसर्न उनका डिफेंस दोस्तों बहुत ही खराब खेलने लगा है। स्टार्ट ऑफ द सीजन में दोस्तों बहुत अच्छा खेल रहे थे, दे वर द लीस्ट अमाउंट ऑफ गोल कंसीडिंग टीम एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन, बट ऑफ लेटली बहुत ही खराब हो गया, जहां पे दोस्तों उनके डिफेंस ने लास्ट 5 गेम में 12 गोल कंसीड किए। तो यदि दोस्तों उनको ये गेम जीतना है एंड टॉप ऑफ द टेबल पे आना है तो उनको अपने डिफेंस पे इंप्रूव करना पड़ेगा और इस गेम में ट्राई करनी पड़ेगी क्लीन शीट रखे। की स्टैट्स की बात करें तो दोनों टीम्स 13 बार एक दूसरे के सामने खेल चुके हैं, जहां ओडिशा ने 4 गेम जीती है, मुंबई ने 6 गेम एंड 3 गेम ड्रॉ हुई है। जैसे हमने कहा दोस्तों ओडिशा का डिफेंस बहुत ही खराब है, जिसके कारण उन्होंने लास्ट 4 गेम में एटलीस्ट 2 गोल तो कंसीड किए ही किए। जैसा और वो दोस्तों मुंबई का ऑफरेडली परफॉर्मेंस डाउन हो गया है, जिसके कारण उन्होंने लास्ट 5 गेम में 3 गेम हारी है, जहां पे उन्होंने दोस्तों लास्ट 5 में से 4 गेम में 2 गोल कंसीड किए ही किए हैं। यदि दोस्तों आपके ऐसे स्टैट्स एंड एनालिसिस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर अब तक आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर करेगा अपने दोस्तों के साथ एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक्सपेक्टेड 11 की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि हमने कहा ओडिशा के पास अभी खेलने के लिए कुछ रहा नहीं है, उनके कोई चांस नहीं कि वो प्लेऑफ में, तो उनके एक्सपेक्टेड है कि वो काफी चेंजेस करेंगे, बट दोस्तों हमने अभी के लिए उनके टॉप प्लेयर्स लिए हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर दीजिएगा, जहां पे हम आपको हमारी फाइनल लाइनअप भी देंगे और हमारी एक्सपेक्टेड टीम भी दे देंगे जो परफॉर्म करेगी। मुंबई की साइड से दोस्तों कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ वोमु नहीं खेलने वाले क्योंकि वो इंजर्ड है और लास्ट गेम भी नहीं खेले थे। की स्टैट्स की बात करें दोस्तों तो ओडिशा की साइड से मॉरिशियो एंड अलेक्जेंडर हमारे टॉप पिक्स है, जब दोस्तों मॉरिशियो ने काफी उमदा परफॉर्मेंस दिया, 10 गोल स्कोर किए, 1 असिस्ट दिया एंड अलेक्जेंडर ने 3 गोल स्कोर करके 1 असिस्ट दिए। मुंबई सिटी की साइड से दोस्तों बोर्गस, ली फाउंडर एंड जाओ हमारे टॉप पिक्स है, जहां ली फाउंडर ने 11 गोल स्कोर किए, 1 असिस्ट दिया है, बोर्गस ने दोस्तों 2 गोल स्कोर किए, 1 असिस्ट दिया है एंड जाओ ने दोस्तों 1 ही असिस्ट दिया है। सजेशन ड्रीम इलेवन की बात करें तो मॉरिशियो एंड ली फाउंडर हमारे टॉप पिक्स है, जब दोस्तों हमने इन दोनों को कैप्टनसी एस कैप्टनसी ऑप्शन में रखा है, क्योंकि दोस्तों दोनों ही टीम्स का डिफेंस खराब है तो ये गेम में हम क्लीन शीट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों मॉरिशियो एक लौते प्लेयर ओडिशा की साइड से जिन्होंने काफी उमदा परफॉर्मेंस दिया है, भले ही बॉटम ऑफ द टेबल पे उनकी टीम, फिर भी उन्होंने 10 गोल स्कोर किए। ली फाउंडर भी दोस्तों काफी अच्छा खेल रहे, जहां पर उन्होंने 11 गोल स्कोर किए। तो दोस्तों ये दोनों को आप ले सकते हैं अपनी टीम में और हेड टू हेड में आप सेफ टीम के लिए ये दोनों को कैप्टनसी एस कैप्टनसी ऑप्शन में रख सकते हैं। मिडफील्ड की बात करें दोस्तों तो अलेक्जेंडर, मावा, मिंग थवा, गोदार्ड,
जाओ एंड बोर्गस हमारे टॉप पिक्स है। अलेक्जेंडर जाओ एंड बोर्गस को अपना कैप्टनसी एज कैप्टनसी ऑप्शन में रखा है। दोस्तों भले ही जाओ ने एक ही असिस्ट दिया है, बट दोस्तों वो इंटरसेप्शन की बॉल्स थ्रू बॉल्स के काफी पॉइंट्स हमें देते हैं, तो वो भी एक काफी सेफ वाइस कैप्टनसी ऑप्शन हो जाते हैं। बोर्गोस और अलेक्जेंडर भी दोस्तों काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अलेक्जेंडर ने सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल स्कोर किए हैं, बोर्गस ने भी दोस्तों दो गोल स्कोर किए हैं, एक असिस्ट दिया है, तो वो भी काफी अच्छे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में आप ले सकते हैं जब आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में मल्टीपल टीम्स डालते हो तब। डिफेंस की बात करें दोस्तों तो फॉल संटाना एंड राव देसाई हमारे टॉप पिक्स है और ए सिंह हमारे टॉप गोलकीपर है। दोस्तों हमने ओडिशा के डिफेंडर्स को एक भी नहीं लिया क्योंकि उनका डिफेंस बहुत ही ज्यादा वीक है, तो इसलिए हमने इनको नहीं लिखा है। और हमने ज्यादातर मुंबई सिटी के रखे क्योंकि गिवन की ओडिशा का डिफेंस वीक है एंड अटैक अच्छा है, बट चांसेस है कि मुंबई सिटी ये गेम में थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाए, अपने पहले ऐसा फॉर्म दिखाए और क्लीन शीट रख सके। सो गिवन दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस डाउन है, वी आर एक्सपेक्टिंग अ स्कोर लाइन ऑफ 2-1 जहां पे मुंबई सिटी ये गेम जीत जाएगी। तो दोस्तों मोटा मोटा ये हमारी टीम है, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं ये हमारी सैंपल टीम से फाइनल टीम मत मानेगा, क्योंकि जब लाइनअप आएगी दोस्तों तो शायद हम चेंजेस करेंगे मिडफील्ड में और डिफेंस में। सो डू वॉच आउट फॉर फाइनल टीम ऑन टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ दोस्तों हम गेम चालू से 10 से 15 मिनट पहले आपको हमारी फाइनल टीम दे देंगे विद आवर एक्सपर्ट एनालिसिस। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करेगा, शेयर करेगा अपने दोस्तों के, एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी साइड से मिस ना करें। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर दीजिएगा क्योंकि वहां पर आपको काफी सारी दूसरी गेम्स की भी हेल्प मिल जाएगी। और याद रखिए दोस्तों फैंटेसी स्पोर्ट एक फन एलिमेंट है, उसी की तरह ट्रीट करेगा, रिस्पॉन्सिबल भी खेले, अच्छे से खेले, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल रिस्क जरूर इन्वॉल्व होता है, तो अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा मत खेलेगा। जल्द मिलते हैं किसी और क्रिकेट फुटबॉल और बास्केटबॉल वीडियो में। धन्यवाद।